गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? हिंदी। तो हिंदी में पार्ट नंबर वन देखेंगे, गांव और शहर। तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो और बताओ। तो इस चित्र का निरीक्षण करके हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या बताया गया है, यह इस चित्र का निरीक्षण करके पढ़ना है। तो बच्चों देखो पाठ का परिचय। इस पाठ में, इस चित्र पाठ में गांव और शहर यह दोनों का अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। इस दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है यह अभी हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों अपनी किताब निकालो, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 पर दिखाई दे रहा है। तो पार्ट नंबर वन गांव और शहर, एक 26 पेज नंबर पर शहर का चित्र, गांव का शहर, गांव का चित्र है। और पार्ट नंबर 27 पर, पेज नंबर 27 पर शहर का क्या है, चित्र दिखाई दे रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, गांव का, गांव यह चित्र का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे और इस दृश्य का क्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। तो बच्चों देखो पहले गांव, देखो यहाँ पर एक सूचना दिखाई दे रही है बच्चों, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। यानी कि गांव और शहर की प्रगति होगी तभी क्या होगी, देश की उन्नति होगी। तो देखो गांव के चित्र में प्रगतिशील गांव की झांकी दिखाई गई है। देखो गांव, गांव में मतलब गांव में कैसे प्रगति हो रही है इस दृश्य में दिखाई दे रहा है। गांव के घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। देखो गांव के घर कैसे बने हुए हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। उनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियां भी है। देखो आवश्यकता अनुसार खिड़कियां है और मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। मकानों की छत पर देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या है, छत पर रोशनदान बनाए हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। फिर बाद में देखो गांव में एक सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है और उस विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। और समता विद्यालय के पीछे पीछे बाजू में शौचालय है। और चित्र में दो लड़कियां और तीन लड़के विद्यालय जा रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो ये तीन, दो लड़के और तीन दो लड़कियां और तीन लड़के क्या कर रहे हैं, स्कूल की ओर यानी कि विद्यालय की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर दो लड़की और दो लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। प्रांगण में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर कूड़ादान है, यहाँ पर क्या है बच्चों, कूड़ादान है। दो महिला, यहाँ पर क्या है बच्चों, कुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, गांव के सब लोग पीने के पानी के लिए, पीने का पानी इस्तेमाल करने के लिए और पानी डालने के लिए यहाँ पर कुएं पर जाते हैं। दो महिलाएं कुएं से घड़ों में पानी लेकर क्या कर रही है, अपने अपने घर लौट रही है। एक महिला बच्चे को लिए हुए उसे कुछ दिखाई दे रहा है। देखो एक बच्चा, एक देखो यहाँ पर एक महिला है, उस वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को कुछ तो दिखा रही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, और देखो एक आदमी क्या कर रहा है, साइकिल पर जा रहा है। उसी के बाजू में क्या कर रहा है, एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग खेल रहा है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक लड़का क्या कर रहा है, गोलाकार रिंग खेल रहा है। एक आदमी खेत में क्या कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। दो बकरियां एक साथ खड़ी है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, दो बकरियां क्या कर रही है, एक साथ खड़ी है। उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है। उससे कुछ दूर क्या कर रहे, एक बैल खड़ा है। और मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है। एक स्त्री कोई चीज सुखाने के लिए क्या कर रही है, जा रही है यानी कि डाल रही है। पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। देखो प्रांगण क्या कर रही है, साफ कर रही है। और देखो उससे कुछ ही देर पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है यानी कि बर्तन मांझ रही है। और रसी
और एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी हुई खेल रही है और कुछ बातें कर रही है। देखो फिर दाई तरफ की चिड़िया क्या कर रही है, दाने चुग रही है, यानी कि चिड़िया क्या कर रही है, दाई तरफ दाने चुग रही है। एक महिला दो बच्चों के साथ जा रही है। देखो एक महिला यानी कि वह माँ अपने दो बच्चों के साथ जा रही है। और देखो उसी के बाजू में एक कुत्ता खड़ा है, क्या है, एक कुत्ता खड़ा है। और देखो एक आदमी सिर पर टोकरे लेकर कुछ ले जा रहा है। देखो एक आदमी उसी कुत्ते के बाजू में एक आदमी क्या कर रहा है, सिर पर टोकरी लेकर खेत में जा रहा है। गांव में बिजली आ गई है लेकिन गांव में साफ सफाई है। देखो गांव में बिजली आ गई है लेकिन उसी के साथ गांव में साफ सफाई भी हो रही है। यह गांव धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। देखो इस गांव में देखो यह कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, गांव का चित्र दिखाई दे रहा है। और गांव क्या कर रहा है, गांव के विकास की ओर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बच्चों यह हुआ अपना गांव का चित्र का चित्र यानी कि दृश्य का निरीक्षण हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, इस चित्र का निरीक्षण करके अपने अपनी भाषा में अपनी अपनी कापी में लिखना है। तो और अभी देखेंगे पेज नंबर 26 पर शहर। शहर तो शहर का क्या करेंगे हम, चित्र का दृश्य का क्या करेंगे, पाठ दिखाई दे रहा है, इस चित्र का क्या करेंगे, निरीक्षण करके अपने अपने भाषा में स्पष्टीकरण करेंगे। तो बच्चों देखो यह गांव शहर का चित्र दिखाई दे रहा है। शहर में क्या क्या है, कौन कौन सी सुविधा है और कैसे कैसे, कौन कौन सी गाड़ी, कौन कौन से मकान, क्या है, कौन कौन सी सुविधा है, शहर किसकी ओर, मतलब शहर में कैसे अनुशासन के साथ देश का क्या होता है, विकास होता है, यह क्या क्या है इस चित्र में बताई दिया है। गांव और शहर की स्वच्छता और अनुशासन के बारे में यहाँ इस चित्र में बताया गया है। तो देखो इस चित्र में जो चित्र है उसका नाम क्या करेंगे अभी, उस चित्र में आए हुए वाक्यों का नाम क्या करेंगे अभी चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखो यह दृश्य कौन सा दिखाई दे रहा है, शहर का दृश्य दिखाई दे रहा है। शहर के चित्र में कई मंजिलें आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। देखो शहर में कई मंजिलें आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। मकान सड़क के किनारे बने हैं। देखो मकान मकान सड़क के किनारे यानी कि किस किनारे बने हुए है। तो देखो वे अलग अलग आकार प्रकार के है। वह सड़क के कौन से आकार के हैं, अलग अलग आकार और प्रकार के बने हुए है। मकानों की छत पर पानी की टंकियां है। देखो मकानों की छत पर क्या है, पानी की टंकियां दिखाई दे रही। अभी बच्चों तुम क्या कर रहे हो, शहर में रह रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मकानों की छत पर क्या होती है, पानी की टंकियां होती है। तो बच्चों देखो फिर आगे देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कें चौड़ी सुंदर और साफ सुथरी है। देखो शहर की जो सड़क है वो क्या होती है, चौड़ी और साफ सुथरी होती है। फिर देखो सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। देखो यहाँ पर देखो सड़कों पर क्या किया है, लाइट यानी कि प्रकाश की सुविधा दी गई है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक क्या करते हैं, प्रकाश फैलाते रहते हैं। सड़कों पर बस कार दो पहिए तथा रिक्शे दिखाई दे रहे। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे बस है, रिक्शा है, कार है और क्या है, रिक्शा है। फिर ये क्या है, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। एक एक मंजिल वाली और दूसरी दो मंजिली भी क्या है, मकान खड़े है। एक एक मंजिल वाली और मंजिल वाली और दो दो मंजिल वाले भी मकान खड़े है। सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वाले लोग जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जेब्रा क्रॉसिंग,
यानी कि सड़क पार करने वाली जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग क्या करते हैं, शहर के लोग उपयोग करते हैं। चित्र में दो बस स्टॉप दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पर एक बस स्टॉप है और यहाँ पर एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है। एक चौराहा दिखाई दे रहा है, एक चौराहा यानी कि चारों बाजू की ओर रास्ता दिखाई दे रहा है। चौराहे पर एक सुंदर फव्वारा है, देखो यहाँ पर जो पानी का फव्वारा है उसे क्या कहा है, चौराहा पर एक सुंदर फव्वारा है, पानी का फव्वारा है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए है, पैदल चलने वाले देखो यहाँ पर जो औरत लड़के लड़की और स्त्री पुरुष जो कौन भी है वो क्या कर रहे हैं, इस सड़कों पर यानी कि फुटपाथ पर बने हुए चल रहे हैं। फिर चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर चित्र पर सिग्नल का खंभा है वह क्या है, दिखाई दे रहा है। यह वाहनों का नियंत्रण करते है, यह क्या करते हैं, वाहनों का नियंत्रण करते हैं। और इस चित्र में दो सुविधा यानी कि सूचना दी गई है, शुद्ध हवा पानी का तंत्र स्वस्थ जीवन का क्या है, मंत्र है। शुद्ध हवा और पानी यह क्या है, स्वस्थ जीवन का मंत्र है। अनुशासन के साथ देश का विकास होता है, अनुशासन के साथ क्या होता है, देश का विकास होता है। तो यह बच्चों क्या हुआ, अपने गांव और शहर के चित्र पर जो आए रहे आपके ऊपर है वाक्य है उस पर हमने क्या किया है, अभी चर्चा की है। तो तुम्हें क्या करना है, इस दो गांव और शहर यह दोनों चित्र का दृश्य का चित्र का निरीक्षण करके अपने अपने भाषा में कापी में क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर अपना पाठ का गांव और शहर यह चित्र का चित्रपाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।